दोस्तों, अगर आप भी आईसीआईसीआई मेंस वर्ल्ड कप 2023 का टिकट बुक करने के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ ऑनलाइन टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं और ऑफलाइन भी आपको बताने वाला हूं कैसे आपको स्टेडियम के बाहर टिकट मिलने वाला है। दोनों स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि 14 अक्टूबर को महामुकाबला होने वाला है, किसके बीच? इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच। तो कॉमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कौन ये मैच जीत रहा है। मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का टिकट कैसे बुक करना है ऑनलाइन, कैसे आपको ऑफलाइन मिलेगा स्टेडियम के बाहर, दोनों मैं बताने वाला हूँ। जितने भी मैच होने वाले हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, किसी का भी टिकट अगर बुक करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, देखने का आपका मन है तो बुक कर सकते हैं घर बैठे। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपने स्मार्टफोन से बुक कर सकते हैं। चलिए, कैसे आपको बुक करना है मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक ना? तो चलिए चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए एक ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, पेटीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पेटीएम से नहीं बता रहा हूँ, आपको बुक माई शो से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा उसको, बुक माई शो लिखिएगा ना तो आ जाएगा, ठीक ना? चलिए, मैं डाउनलोड यहाँ पर कर रखा हूँ, जैसे उसने ओपन किया, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉग इन कर लीजिएगा ईमेल आईडी डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, ठीक ना? यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआईसीआई मेंस वर्ल्ड कप 2023 ऊपर में आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट के बगल में, इसी पे सिंपली क्लिक करना, क्योंकि आपको टिकट बुक करना है। यहाँ पर जितने भी टीम यहाँ पे हिस्सा लिए हैं, अभी जो खेल रहे हैं, जैसे देख सकते हैं 10 टीम यहाँ पे हिस्सा लिए हैं आईसीआईसीआई मेंस वर्ल्ड कप में, शो हो रहा है। नीचे आएंगे देख सकते हैं आपको वेन्यू शो करेगा, कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर हो रहा है, चेन्नई हो रहा है, दिल्ली हो रहा है, देख सकते हैं धर्मशाला हो गया, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, इतना आप यहाँ पे मैच हो रहा। जैसे कि मेरे को यहाँ पर बुक करना है अहमदाबाद का टिकट, जैसे कि पाकिस्तान वर्सेज, तो उसे अहमदाबाद पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं अहमदाबाद का यहाँ पर आ गया शेड्यूल, 14 अक्टूबर को यहाँ पर मैच है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद, सो हो गया है। यह मैच होने वाला, जैसे देख सकते हैं 4 नवम्बर को, 10 नवम्बर को टिकट यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे देखते हैं इंडिया का जो पाकिस्तान का मैच है, सोल्ड आउट हो चुका है ऑनलाइन, 14 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को फाइनल है। अभी से देख सकते हैं टिकट यहाँ पर फुल हो चुका है, सोल्ड आउट, यानी ऑनलाइन टिकट आपको नहीं मिलेगा, ऑफलाइन मिल सकता है। कहता है आप क्या करिएगा, आज है 13 तारीख, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 13 तारीख है, 14 तारीख को यहाँ पे मैच है। आपका मन है कि मैं मैच देखूँ इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, तो अगर आप अहमदाबाद में रह रहे हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करिएगा, हो सकता है आप मैच देख पाए। अहमदाबाद पे जाना स्टेडियम के निकट, वहाँ पर आपको बॉक्स ऑफिस एक बनाया गया है, वहाँ पे जाइएगा, हो सकता है आपको टिकट मिल जाए, ठीक ना? अगर रह रहे हैं वहाँ तो जाइएगा, 50-50 चांस है। ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं आईपीएल के समय में यहाँ पे गया था कोलकाता, तो वहाँ पे मेरे को टिकट मिल गया था बाहर में, ठीक ना? ब्लैक से भी टिकट मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ब्लैक से भी टिकट मिलता है तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन डबल रेट में मिलता है। जैसे कि अगर 2000 का टिकट है ना तो आपको मिलेगा 4000, 4000 का टिकट है तो 8000 में मिलेगा। तो ये आपको बात में ध्यान में रखना, हो सकता है आपको रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो जाइएगा, 50-50 चांस है टिकट आपको मिल जा सकता है, तो जाइएगा, क्योंकि फाइनल का भी टिकट अभी से ही बुक है अहमदाबाद में। समझ सकते हैं कितना क्रेज है यहाँ पर मैच का, और भी इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन है मैच जीतने वाला है कल, यानी 14 अक्टूबर को, ठीक ना? चलिए, यहाँ पर बात करते हैं, टिकट तो बुक नहीं कर पा रहे हैं हम, चलिए एक मैं आपको टिकट बुक करके दिखाता हूँ कैसे आप बुक कर सकते हैं। जैसे कि ये मैच जैसे देख सकते हैं इंग्लैंड का, चलिए यहाँ पर बैक करते हैं, कोई सा भी एक मैं आपको टिकट बुक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। चलिए इंडिया पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं आ गया है इंडिया का जितना भी मैच है यहाँ पे, अभी शो हो रहा है कमिंग सून। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि अभी 14 तारीख को मैच है, 14 तारीख को जो मैच खत्म होगा उसके बाद कमिंग सून हटेगा 2 टिकट, ठीक तो ठीक ना, जो कि पहले डेट में आने वाला, तो उसका टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो जितने भी है कमिंग सून है, और यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश वाला जो भी है सोल्ड आउट हो चुका है, तो टिकट बुक करिएगा। जैसे पाकिस्तान का मैच खत्म होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना, कमिंग सून हट जाएगा, तो जाइएगा बुक करिएगा। चलिए कोई सा एक मैं आपको बुक करके दिखाता हूँ पहले, जैसे कि अहमदाबाद पे, चाहे बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, कोलकाता पर क्लिक करते हैं, कोई एक एक टिकट में हम देख सकते हैं कोलकाता में इतना मैच होने वाला, कमिंग सून इंडिया वाला भी दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से मैच है उसके बाद कमिंग हटेगा, और देख सकते हैं सेमीफाइनल 2 का भी सोल्ड आउट हो चुका है टिकट। चलिए, जैसे कि इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान का मैच है, इसी पे मैं आपको एक क्लिक करके दिखाता हूँ कैसे आप बुक कर सकते हैं, प्रोसेस आप जान लीजिए, कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं मैच का, आईपीएल को हो, आईसीआईसीआई मेंस वर्ल्ड कप हो, कोई भी हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ गया, इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, नीचे में प्राइज आपका शो हो गया,
इतना प्राइस में आपको नहीं मिलेगा टिकट, आगे बढ़ेंगे तो आपको प्राइस फाइनल पता लगेगा। नीचे में शो हो जाएगा कौन सा टिकट बुक करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, एक आएगा इस तरह का पॉप अप, तो इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर आपको बुक करने के लिए देख सकते हैं 10, कितने टिकट बुक करना चाहते हैं, एक बार में यहाँ पर 10 टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए मैं 10 पे क्लिक करूंगा तो 10 सेलेक्ट करना है, 7-8 हो गया, 10 दे सकते हैं, 4-2, तो मेरे को टिकट बुक करना जानते हैं कितना, 1, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ टिकट बुक करने के लिए। चलिए 2 नहीं करता हूँ, 1 करता हूँ, सेलेक्ट पे, नीचे में ऑप्शन है सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका शो हो जाएगा स्टेडियम में जो बैठने का ग्राउंड है वह शो हो जाएगा, जैसे कि बीच में पिच शो हो गया, चारों तरफ सिर्फ आपको स्टेडियम शो हो गया। कहाँ आप बैठना चाहते हैं सबका अलग अलग प्राइज है, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर प्राइज भी है, नीचे में लिख दिया है 800, 2200, 1200, देख सकते हैं प्राइज पे क्लिक करेंगे ना तो 800, 1200, 2000 देख सकते हैं, नीचे में शो होने लगा होगा आपको सब में कलर कलर। सबसे ज्यादा यहाँ पर है 9000 का टिकट है जो कि सोल्ड आउट हो चुका है, यानी फुल हो चुका है उसका। या स्टेडियम में चलिए कहाँ बैठना चाहते हैं, जो ब्लैक यहाँ पे शो हो रहा है ना, जे ब्लैक ब्लाउ को देख सकते हैं, सब यहाँ पर टिकट फुल है, जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है जो हरा इसम वो सब खाली है। जैसे कि बी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे ना तो शो हो जाएगा मेरा टिकट, जो देख सकते हैं इस पे क्लिक किए लोडिंग होगा, देख सकते हैं 2200 रुपया नीचे में देख सकते हैं शो हो गया, यानी सीट मेरा खाली है, इसको बुक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सीट नंबर दे दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए बुक नाउ का ऑप्शन है, इस पर जूम आउट कर देते हैं, अब बुक नाउ पे क्लिक है ना, बुक नीचे में इस पर सिंपली क्लिक कर, जैसे क्लिक करिएगा इस तरह इंटरफेस आएगा, होम डिलीवरी का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आपका एरिया का जो पिन कोड है वो आपको डाल के यहाँ पर फिल करना है, देखना है अगर होम डिलीवरी दे रहा है टिकट तो ठीक है, टिकट आपके घर पे आ जाएगा एड्रेस पे। चलिए यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ अपना पिन डाल के, पिन डालें तो नहीं ले रहा है, पटना का पिन है ठीक ना, लेकिन नहीं ले रहा, तो क्या करना है आपको, नहीं ले रहा तो टेंशन लेने की बात नहीं, आपको पिकअप फॉर्म दे सकते हैं लिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर जाइएगा ना स्टेडियम के बाहर, आपको टिकट मिल जाएगा। तो चलिए होम डिलीवरी छोड़िए यहाँ पे झंझट, डायरेक्ट करते हैं इस पर टिक, क्लिक करते हैं, यहाँ पर एसएमएस थ्रू आपके चला आएगा, मेल पर दे सकते हैं, आपका एक स्कैनर आएगा, स्टोरी टाइप दे सकते हैं, यहाँ पर शो हो गया टिकट, इतना है 2200 का टिकट है, यहाँ पर देखते हैं 158 रुपया आपको लग रहा है बुक फी, तो टोटल हो गया 2358 रुपया। चलिए पे पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कंफर्म करने के लिए, चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल नहीं रखा हूँ इसलिए मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ गया, पहले अगर डालते तो आ जाता, चलिए मोबाइल नंबर को अपडेट यहाँ पर मैं कर देता हूँ, उसके बाद इस तरह आएगा इंटरफेस, आने के बाद क्या करना है, टोटल यहाँ पर शो हो गया अमाउंट आपको पे करना है, पे पे क्लिक करके पे कर सकते हैं, नीचे हो गया डेबिट कार्ड हो गया, किससे थ्रू आप पे करना चाहते हैं, पे पे क्लिक करके यहाँ से पे कर लीजिएगा, आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, मेल पे यहाँ पे मेल भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी आ जाएगा, स्कैनर भी आ जाएगा, और वहाँ आपको जाना है जिस दिन आपको मैच है उससे पहले आपको वहाँ पहुँचना है। इस तरीके से आप भी अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, कई सारे छोटा सा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मन में कोई सवाल हो, वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या इंस्टाग्राम फॉलो करिए वहाँ मैसेज करिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी कंटेंट आपको देखने को मिलता रहता है इसी चैनल पे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।